मेरा नाम गप्पू नाम है, गप्पू भाई के नाम से जाना जाता हूँ मैं, और मेरा खुद का क्लब है इंद्रनगर काइट क्लब के नाम से, इंद्रनगर में लखनऊ में। ये वजन रहेगा पतंग में, उनसे आपका ये रहता है कि ग्रिपिंग अच्छी मिलती है, ग्रिपिंग अच्छी मिलती है क्योंकि हर टाइम के हिसाब से नियम कानून चेंज होते रहते हैं आपके। आप आज की डेट में जो कानून चल रहा है उसमें क्या आपकी 6 तार की तरह कटती है, 6 तार, हाँ 6 तार की होती है, और 1-2-3 धागा बोला जाता है उसको, और रॉकेट धागा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा, जो होता है आपका वो यूजली जो इस टाइम जो है वो 6 तार के चल रहा है आपका, और 6 तार के अलावा आप अगर 4 तार या 2 तार का लगाएंगे तो बैन है, तो उस पर आपके प्लेयर भी बैन लग सकता है, हो सकता है आपके क्लब पर बैन लग जाए अगर आप पकड़ लिए जाते हैं तो। डिसाइड होता है कि पतंग अंदर की लड़ेगी बाहर लगेगी, एक नियम ये भी होता है। अंदर बाहर मतलब? अंदर बाहर पतंग जब खींचे तो पतंग अंदर नहीं जानी चाहिए, हाँ, और जब बाहर खींचे मतलब खींचे बाहर नहीं आनी चाहिए, पतंग आपको सीधी खींचनी चाहिए। एक इस तरह से पतंग लड़ती है, एक पतंग आपकी लड़ती है अंदर की भी लड़ेगी बाहर की भी लड़ेगी, और ज़्यादातर अंदर बाहर की दोनों पतंग बहुत ज़्यादा लड़ती है। शहर से बाहर पतंग लड़ा रहे तो वहाँ पर नियम होता है, वहाँ पर पतंग सीधी लड़ेगी, और आपको अपना खुद का एक टिकट बना के लेके जाना पड़ता है, उसको टिकट बोलते हैं, छोटा सा टिकट होता है, उसमें नंबर डाल सकते हैं आप जो भी आप, जिस तरह से आपने कभी कभी क्या होता है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसके लिए ये बोला जाता है कि आपका जो है टिकट होता क्या, कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि हमारा टिकट जो है हम किसी तरह से उनसे ले सके, तो उस पर भी होते। तो 2 तार का धागा मतलब क्या है भैया? 2 तार आपका उसमें धागा जब बनता है तो जो उसमें सुताई होती है उसमें जो धागा होता है उसमें जो लिप्टन होती है वो 2 तार की होती है, मतलब जो पतला तार होता है वो, हाँ। वो मिला के फिर एक धागा बनता है कि धागे को पतला अगर आप खोलेंगे तो उसमें 2 तार निकलती है, उसको 2 तार बोला जाता है। ऐसे जब आप 3 तार का जो होता है उसको जब खोलेंगे तो उसमें 3 रेशे निकलेंगे, 3 रेशे में एक अलग अलग धागा होगा, तो उसको 6 धागे में होता है, तो ये फ़र्क होता है इसमें आपका। तो कौन सा अलाउड नहीं है? 2 तार का धागा अलाउड नहीं है। जो अच्छी की जो स्टार्टिंग होती है 1400-1500 से स्टार्टिंग होती है आज की डेट की, में पहले शमी रजा लड़ाते थे हम जो लड़ाते हैं वो आपकी जो लड़ी लड़ती है डबल टाइगर हो गई या यूनिस इकबाल हो गया, यासिन सब्बू हो गए। इस टाइम जैसे हमारे लखनऊ में जो सबसे जो रील फेमस चल रही है धमाका के नाम से, धमाका, हाँ धमाका नाम है उसका, और धमाका विनाशक। ये हमारे जो हैं मोहित भाई हैं चौक में, उनके पास मिलती है। देखिए मज़ा डिपेंड करता है किस क्लब से आप, देखिए सबसे अच्छा आपको मज़ा तब आता है जब बाहर पतंग लड़ाए जाते हैं, जैसे बाराबंकी हुआ, बहराइच हुआ, कानपुर हुआ, और वहाँ जब पतंग जीत के आते हैं तो आप किसी भी क्लब से पतंग लड़ा रहे हो वहाँ पर जो जीत होती है वो सबसे जीत होती है, क्योंकि लोकल तो अलग बात है, बाहर जो जीत होती है उससे आपके क्लब का नाम होता है, और लोकल में तो आपका 9 अगर एक पेज से एक पतंग से 9 पतंगे कट जाएँ तो मानिए कि एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। बाहर क्या होता है, बाहर आप 7 पतंग काट दें तो उसको अचीवमेंट माना जाता है, बाहर जो टिकट से जीता जाता है 1 टिकट 2 टिकट 20 टिकट 25 टिकट, और 25 टिकट में अगर आपने 2-3 सत्ते मार दिए हैं तो 7 पतंगे काट दी हैं, तो किसी प्लेयर ने काटी आपके 3 प्लेयर ने 7 पतंग काट दी हैं, तो जब आपने बताया अपने कि हमने इतना काट के आया, क्योंकि आजकल पता है आपको व्हाट्सएप पर बहुत ही सारी चीज़ें ग्रुप्स हैं पतंग के, तो उस पर सब पे अपडेट होता है डेली कि कौन किसको कितना कहाँ का काट रहा है, तो उससे आपको जो आपकी पहचान मिलती है। अपने जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो बोलते हैं आप पहले लोकल अपने आप को इम्प्रूव करिए तब बाहर जाके पतंग लड़ाई है, तो ये भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी बोलते हैं, और उनकी बात को हमको सराहना भी चाहिए कि वो जो कहते हैं उनको, क्योंकि लखनऊ जो है एक बहुत ही बड़ा नाम है पतंगबाजी के नाम पर, बहुत पुराना शौक है यहाँ पर, नवाबों को शौक रहा है तो लखनऊ से ही पतंगबाजी निकली है। सर मेरे सीनियर रहे टोनी अंकल, उसके बाद पीयूष अंकल, टोनी अंकल मेरे लड़ाते हैं सन एंड सन्स में, उन्हीं का क्लब है, और पीयूष भाई लड़ाते थे सीओ में, अब बॉरियर में लड़ा रहे हैं। आउट होता है दोनों क्लब के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो पतंग चेक करवा सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर एक बंदे ने 4 पतंग काट दी हैं तब आप पतंग नहीं चेक करवा सकते हैं, 3 पतंग तक आप चेक करवा सकते हैं कि अंदर की बाहर, और 3 पतंग में जो अच्छा पतंग लगाने वाला होगा वो पहले ही पतंग से लगा लेगा पेज से, या पतंग अंदर की कि बाहर की है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी पतंग सही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, तो वो आप खुद कहेंगे अच्छा सही लड़ाई है। और ये यूजली क्या होता है जब पतंग आप आगे नीचे से तो पतंग लड़ाते हैं तो ये जाते ये रूल
जो है यूजली नीचे से पतंग लड़ती तब ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ऊपर से आके पतंग लड़ावा दी जाती है अगर अंदर की भी हो बाहर की भी हो, लेकिन नीचे से अगर पतंग लड़ती है तो अगर आपको पतंग तय है कि अंदर बाहर की नहीं लड़ रही है, सीधी लड़ रही है, वहाँ नीचे से पतंग लड़ा रहे हैं तो आपको पतंग खींच के दिखानी पड़ेगी। लखनऊ में देखिए दो दो एसोसिएशन मेन है यहाँ पर, एक पुरानी की है मतलब उसको ओल्ड एसोसिएशन बोलते हैं और एक न्यू एसोसिएशन है तो लगता है। इन दोनों एसोसिएशन के जो टूर्नामेंट होते हैं वो सबसे टूर्नामेंट मनाए जाते हैं लखनऊ में। कब होते हैं वो? वो दो साल में भी हो सकते हैं, एक साल में होते हैं, वो तो एसोसिएशन डिसाइड, वो एसोसिएशन डिसाइड करती है कि कौन कब तय करेगा, वो तो एसोसिएशन तय करती है। वो हम लोग मेंबर्स हैं क्लब के तो हम पता लग जाता है कि सब क्लब के लोगों को बता दिया जाता है कि हाँ फलाने को जाए इस तारीख को जाए टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो ये आपका रहता है। और ऑल इंडिया भी लड़ता है लखनऊ में, तो ऑल इंडिया में तो पूरे यूपी पूरे इंडिया से लोग आते हैं। एसोसिएशन डिसाइड करती है कि कौन सा क्लब किस दिन तारीख को किससे पतंग लड़ाएगा, जैसे कि हम उसमें आपका जो हर सालाना एक कुछ लमसम अमाउंट दिया जाता है वो एसोसिएशन को, तो एसोसिएशन के पास ग्राउंड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ग्राउंड पर हम खड़े हैं, यहाँ पर दो टीमें लड़ सकती हैं, तो यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। और उसमें जो पतंग जो काटते हैं फिक्सचर में उसकी भी एक अलग वैल्यू होती है, आपके पास कितने मेंबर अवेलेबल हैं। मेंबर ज़्यादा इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि सब हर कोई मेंबर कहीं ना कहीं बिजी रहता है, जैसे हमारे मेंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो आप आए हैं वो अभी आपको दिख रहे हैं, जबकि हमारे पास करीब 15-16 मेंबर्स हैं, कई लोगों का ऑफिस हैं, कई लोगों का कुछ हैं, लेकिन हमको हर मेंबर का शौक भी करवाना है। जैसे आज जो है गर्मी का सीज़न चल रहा है और दिन बढ़े हैं तो आज ये पतंग 12 बजे तय हुई है, वरना ठंडी में होती है तो शायद पतंग 9:30 या 10 बजे से बनना शुरू हो जाती है। पूरा शौक मतलब एकदम? हाँ पूरा शौक। और कम से मानिए अगर हवा अच्छी जैसे आज चल रही है तो ये मानिए कम से कम 150 से 200 पतंगे लड़ा जाती हैं एक क्लब की। 150 पतंगे नहीं टोटल मिला के, मतलब एक क्लब की तो ये मानिए 70 से 80 पतंगे लड़ी जाती हैं। हाँ जी अगर हवा अच्छी मिल गई और दूसरा क्लब भी पतंग तेज छोड़ने वाला हुआ तो पतंग लड़ने की कोई लिमिट नहीं है आपके पास, और मेंबर ज़्यादा हैं और दूसरे के पास भी ज़्यादा है तो पतंगे इतनी बेपनाह पतंगे लड़ जाती हैं कि आपको खुद आइडिया नहीं होता कि हम कितनी पतंग उड़ा चुके हैं। कि हमारे लखनऊ की सबसे मशहूर जैन साहब की दुकान है ऐशबाग में जी। हाँ वो क्या मंजा अच्छा देते हैं? ये हमको उनके यहाँ से NRP अच्छा मिल जाता है, जिलानी मिल जाता है। जिलानी बेचते हैं वो जी? अच्छा। और इदरीस IT मिल जाता है। इदरीस IT अगर आना चाहें तो हमारी रकाबगंज में राजू भाई की दुकान है, रकाबगंज में बर्तन वाली जो मार्केट है उसके पीछे राजू धोबी हैं, उन्हें कहा जाता है राजू चिरचिरे भाई क्योंकि थोड़ा गुस्सा उनकी नाक पर रहता है। इसमें आपकी हुसैनगंज में दुकान पड़ती है डॉक्टर साहब की। हाँ। डॉक्टर साहब के पास से हम लोग को काला सोना मिल जाता है और ये आपका अखिल भारतीय है। हमारी सबसे फेवरेट अगर कोई पतंग है तो हमारे मोहनीपुरवा में अमित और सचिन नाम के हैं। अच्छा। मैं पिछले 12-13 सालों से इन्हीं की पतंग लड़ा रहा हूँ, दो तीन है। और इनके बाद अगर मुझे किसी की पतंग पसंद आई तो मुरादाबाद के इमरान की। दोस्तों लखनऊ के डगलस हॉस्पिटल में पैदा हुए श्रीमान MP श्रीवास्तव जी, आप पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं और उम्र है मात्र 80 साल। आप बहुत ही एक्टिव पतंग उड़ाने वाले हैं पर उम्र ने लिहाज से आज भी पूरा शौक करते हैं। श्रीवास्तव जी पिछले 6 महीनों से चलने में दिक्कत होती है पर वो लगातार पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के लिए वो बैठे बैठे ही मंझे की रील से उड़ाते हैं और आप देख सकते हैं कि असली शौक किसे कहते हैं। इनकी एक बहुत ही अच्छी टीम थी, इनसे मिलके भी अच्छा लगा। इनके जोश और जज्बे को देखकर यह लगता है कि लखनऊ सच में पतंग को बढ़ाने वाली असली शहर है। MP श्रीवास्तव जी का खुद का एक काइट एसोसिएशन है जिसको नया काइट एसोसिएशन गोमती पार कहा जाता है। यह इस काइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और हाल ही के दिनों में इन्होंने रेजिग्नेशन या उससे त्याग पत्र दिया है। तो कुछ आवाज़ सुनते हैं हम लोग MP श्रीवास्तव जी की, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आपको इनकी बात सुन के मज़ा आएगा और इनका क्लब भी अच्छा है। धन्यवाद। 200-250 मतलब पतंग लड़ने वाले टीमें हैं। तो सर आप कब से लड़ा रहे हो पतंग? हम तो सबसे मतलब ये हुआ है फुल संभाला सबसे पतंग लड़ा रहे हैं। तो तकरीबन आपकी एज कितनी होगी? 55 साल। I cross my 80. 80? Yes. नहीं सर, नहीं 80 वाली बात नहीं है।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक 80 क्रॉस कर चुके हैं सर, एमपी श्रीवास्तव जी, राइट सर? और किसमें थे सर आप? पुलिस डिपार्टमेंट। आप पुलिस डिपार्टमेंट से थे और सर पतंगबाजी कर रहे हैं, काफी बड़ी टीम लेके आए हैं। बाजी नहीं, बाजी का शब्द इस्तेमाल मत करें। देखिए मुझे शौक कर रहे हैं, पतंग का शौक पूरा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 मिनट के अंदर आपको पुरानी चीजें, जैसे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं आज की पतंगबाजी में और नई पतंग के शौक में और पुराने पतंग के शौक में, शायद वो बताएं सर। कोई नहीं फर्क है यार, रूल्स नियम जो है एक ही, रूल्स और नियम एक ही है, सब जितने भी रूल्स है एक ही। मंजे में चेंज आया कोई? मंजे में कुछ नहीं, 5-7 का मंजा बनता है हमारा। अच्छा, 5 तार का मंजा बनता है, किस नाम से? कोई भी कहते हैं। अब ये तो पूरी इंडस्ट्री जो है बरेली की है जी, मंजे की इंडस्ट्री बरेली की, पतंग की इंडस्ट्री लखनऊ और मेरठ की है। सर बेस्ट मोमेंट कब आया आपके इस पतंग इंडस्ट्री के अंदर, आपको मतलब सबसे अच्छा कब लगा, सबसे बढ़िया? कुछ नहीं, बस पतंग उड़ाते हैं, आते हैं, शौक पूरा करते हैं, चले जाते हैं। कोई गाली ना गलौज, जो गाली बक देता है उसको 20 रुपये फाइन हो जाता है। कोई मस्त इंसिडेंट पतंग उड़ाने में? मस्त इंसिडेंट क्या बता रहे, कोई बड़ा आदमी आया हो, मतलब कोई ऐसी शख्सियत आई हो जो आपके? शख्सियत नहीं, हमारे ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं जी, ऑल इंडिया यूपी लोकल टूर्नामेंट चला करते हैं जी, तो उसमें कलकत्ता है और मेरठ है, मतलब तो बाहर की टीमें सब आती है, यूपी से बाहर की टीमें आती है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं लखनऊ के टॉप 3 आपके पसंदीदा दुकानदार तो कौन होंगे? वैसे तो सभी दुकानदार जो हैं सभी ठीक हैं, लेकिन हम जहाँ से खरीदते हैं उनमें से तो मुख्य हमारा एक तो सलमान काइट सेंटर है। ये कहाँ पड़ेगा सर? हुसैनगंज पे सलमान काइट सेंटर, इसमें ख्याल से। अच्छा, दूसरा सर? पतंग हमारा जो है आरबी, राम बहादुर जी, बाराबंकी जी। और तीसरा कहते हैं, पहले मिर्जा जी हुआ करते थे, उनका सब बंद हो गया, टंटम फटा जी। बस दो ही हैं, बाकी इन्हीं से हम अपना पतंग लेते हैं, इन्हीं से वो करते हैं। थैंक यू सर। कोई अगर टीम से मिलवाना चाहेंगे, कोई अगर आपके इस वक्त जो जिनका हाथ सबसे अच्छा चल रहा हो इस मैच में, आज के मैच में तो सतीश बैठा हुआ है। सतीश भाई कहाँ है? सतीश भाई आप दिखाएं, आज सबसे ज्यादा पतंग इसलिए काटते हैं। पतंग सर जी ऊपर से लड़ाई है, आपका पेच है सर? मेरा पेच आ गया? चलो गया, नीचे गया वो। तो दोस्तों 80 साल के हैं, लग नहीं रहा लेकिन एंजॉय कर रहे हैं पूरा। सतीश भाई तो आप भी सीओ क्लब के ही हैं सर, पूरा नाम क्या है? सीओ काइट क्लब है कि क्या? सीओ क्लब, कमांडर्स काइट क्लब। कमांडर्स काइट क्लब जी सर। कैसा रहा आज का दिन दोस्त? बढ़िया रहा। कौन सा मंजा लगाया था आपने? आज हमने टाइगरों का बादशाह जुबैर भाई का है जी। अच्छा मंजा है। हसीन लल्ला भी लड़ाते हैं। AMD AMR बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत धन्यवाद।